हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीएल टियर यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी के बारे में। यह हमारे घुटने का जोड़ है, यह हमारे लिगामेंट्स है। अंदर की तरफ घुटने के होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट यानी एमसीएल, बाहर की तरफ पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट पीसीएल, और आगे की तरफ होता है घुटने के एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट यानी एसीएल। तो अब हम बात करते हैं एमसीएल इंजरी के बारे में। एमसीएल इंजरी का मतलब होता है स्प्रेन होना या टियर होना या खराबी होना, टूटना एमसीएल यानी मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का, तो उसे कहते हैं एमसीएल टियर, एमसीएल स्प्रेन, एमसीएल इंजरी। अब एमसीएल क्या होता है? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एक टिश्यू का बना हुआ बैंड होता है जो हमारे घुटने के अंदर के हिस्से में पाया जाता है। ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है हमारी ऊपर वाली हड्डी थाई बोन की यानी फीमर, उसको नीचे वाली हड्डी लोअर लेग की हड्डी शिन बोन यानी टीबिया से, तो फीमर से फीमर को टीबिया से जोड़ता है ये एमसीएल लिगामेंट। उसके साथ ही साथ लिगामेंट हमारे घुटने को एक मजबूती देते, एक स्टेबिलिटी देते हैं, और जब हम अपने घुटने को अंदर की तरफ मोड़ते हैं तो उसके लिए एमसीएल लिगामेंट काम करता है। तो एमसीएल लिगामेंट एक टिश्यू का होता है बना हुआ बैंड होता है जो हमारे घुटने के अंदर होता है, या हमारे फीमर को ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी से टीबिया से जोड़ने का काम करता है। उसके साथ साथ घुटने को स्टेबिलिटी देता है, ताकत देता है, और घुटने को जब हम अंदर मोड़ते हैं तो ये ताकत देता है। अभी ये हमारे घुटने के अंदर के हिस्से में होता है। लिगामेंट का काम होता है हड्डियों को जोड़ के रखना, उसके साथ साथ हड्डियों को ताकत देना, एक स्टेबिलिटी देना, ताकि जो हड्डी का मूवमेंट है वो अच्छा हो सके, ओवर मूवमेंट नहीं हो, तो उसको बचाने का काम एमसीएल करता है। तो एमसीएल का मेन काम होता है कि जब हम अपने पैर को अंदर मोड़ते हैं तो हमारा जो पैर है वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं चले जाए, तो उसको रोकने का काम करता है एमसीएल। उसके साथ साथ घुटने को स्टेबिलिटी देता है, और जब हम अपने घुटने का मूवमेंट करते हैं कोई, तब उसको एक प्रॉपर रेंज देने के लिए ये काम करता है। अब एमसीएल इंजरी खास तौर पर जो गेम्स खेलते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, जिनका पैरों से काम होता है, तो जब स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनका जब बार बार पैरों से काम होता है तो उनके घुटने के अंदर वाले हिस्से में एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, उसके साथ साथ उसका एमसीएल का टीयर होने लगता है, एमसीएल की इंजरी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो रनिंग जो करते हैं, तो जब वो रनिंग करते हैं सीधे सीधे करके टर्न लेते हैं, तो जैसे ही घुटने का मूवमेंट रोटेशन में आया, मतलब घुटना जैसे ही टर्न हुआ, तो एक डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ता है एमसीएल लिगामेंट पर, एमसीएल का स्प्रेन या एमसीएल का टीयर होने लगता है। अब क्योंकि एमसीएल स्प्रेन को ग्रेड्स में डिवाइड किया है, भाग में बांटा गया है, तो स्प्रेन मतलब होता है लिगामेंट की इंजरी होना, तो ये तीन ग्रेड्स में है। ग्रेड वन, जिसमें हमें घुटने में दर्द होता है बस, उसके साथ साथ हमारा मूवमेंट सही रहता है घुटने का, हम चल पाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आती, तो वो होता है ग्रेड वन स्प्रेन, मतलब लिगामेंट की इंजरी होना स्टार्टिंग की, एक अक्यूट पेन होना। उसके बाद अगर दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है तो ग्रेड टू आता है, तो ग्रेड टू में अगर एमसीएल टीयर हुआ है तो वो ग्रेड टू का है, अगर तो उसमें मतलब हमारा जो लिगामेंट एमसीएल लिगामेंट वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, वो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, उसका पूरा डैमेज नहीं हुआ है, उसका थोड़ा बहुत हिस्सा डैमेज हुआ है, वो होता है ग्रेड टू, जिसमें दर्द होता है, थोड़ा बहुत सूजन आती है, मूवमेंट थोड़ा बहुत हो पाता है, थोड़ा बहुत रुक जाता है, प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाता। फिर जब बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होती है, सिवियर दिक्कत होती है, तो वो ग्रेड थ्री होता है। ग्रेड थ्री में आपका जो पूरा लिगामेंट है वो पूरा तरीके से डैमेज हो जाता है, उसकी पूरी इंजरी हो जाती है, पेन, सूजन, टाइटनेस के साथ साथ आपका जो मूवमेंट है, खड़ा होना, बैठना, वो सारे मूवमेंट रुक जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब आप डायग्राम से देख सकते हैं ये हमारा सही एमसीएल है। फिर ग्रेड वन में थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, टीयर नहीं हुआ है, मतलब दर्द है बस, पेशेंट को चल फिर रहा है अच्छे से, बस थोड़ा बहुत दर्द है उस अंदर के हिस्से में घुटने के,
फिर जब ग्रेड टू आता है तो थोड़ा सा लिगामेंट टूट गया है, पूरा नहीं टूटा, थोड़ा सा। फिर जब ग्रेड थ्री है तो लिगामेंट पूरी तरीके से डैमेज हो गया, पूरी तरीके से टूट गया है। अब एमसीएल इंजरी के क्या कारण हो सकते हैं? ये स्पोर्ट्स खेलने वाले या ना स्पोर्ट्स खेलने वाले दोनों में हो सकता है। जब फुटबॉल या क्रिकेट या रनिंग में जब डायरेक्ट कुछ भी चीज, जैसे फुटबॉल में डायरेक्ट कुछ भी चीज है ना हमारे घुटने पे आके स्ट्राइक करती है, घुटने पे आके हिट करती है, तो एकदम प्रेशर लगता है उस लिगामेंट पे और एमसीएल के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। उसके साथ साथ जब एथलीट सीधे चल के एकदम अपना डायरेक्शन मोड़ते हैं, तब एकदम जैसे ही घुटना ट्विस्ट होता है, तो जब घुटना ट्विस्ट होता है तो एमसीएल पे जोर आता है, मतलब अंदर के घुटने के अंदर के हिस्से में एकदम से प्रेशर पड़ता है और दिक्कत आती है। या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जैसे स्क्वाटिंग, जिसमें घुटने का जोर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, या कुछ भारी सामान उठा रहे हैं आप, तो उसमें भी हमारा एमसीएल टियर होने हो सकता है। फिर आप एकदम से वॉलीबॉल खेल रहे हैं या मतलब जंपिंग कुछ कर रहे हैं जिसमें एकदम जंप करके आप सीधे हो रहे हो, तो प्रेशर पड़ता है हमारे एमसीएल, तो भी एमसीएल का टियर हो सकता है। फिर अब जब हम स्काइंग करते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा पैर एकदम सीधे आगे की तरफ चला गया है, हाइपर एक्सटेंड हो गया है, तो भी दिक्कत आती है, एकदम सीधा हो गया है। या फिर हम कोई ऐसा खेल कूद है या फिर कोई ऐसा जिसमें एक्सीडेंट की वजह से हमारे एमसीएल का टियर हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या ऊंचाई से हम गिर गए या एकदम हम फिसल गए, तब भी दिक्कत आ सकती है। अब इसमें लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? एकदम पेशेंट कंप्लेन करता है कि एकदम बहुत ज्यादा शूटिंग पेन, शार्प पेन नजर आता है, कि एकदम बहुत ज्यादा तीखा दर्द होता है, कभी दर्द बढ़ता है कभी कम हो जाता है, पर दर्द बना रहता है। उसके साथ साथ घुटने में अंदर के हिस्से में सूजन आ जाती है, टाइट हो जाता है बहुत ज्यादा, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, टाइटनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कभी कभी ऐसे कटकट की आवाज आती है अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो। उसके साथ साथ पेन लगातार बना रहता है घंटों, सूजन के साथ साथ घुटने में, घुटने से हम उठना बैठना चलना फिरना वो सब रुक जाता है, घुटने का जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता, जैसे ही मोड़ते हैं सीधा करते हैं तो दर्द होता है। या फिर हम बैंड करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमारी पैर की कर रहे तो हमें घुटने में दर्द होता है और कुछ भी काम नहीं हो पाता, ना ज्यादा तक खड़ा रह पाता है ना फिर बैठने में भी दिक्कत आती है। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि घुटना बहुत ज्यादा लचक हो गया, ढीलापन हो गया घुटने में, एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है घुटने में। फिर कुछ भी ऐसे मूवमेंट करते हैं या टर्न करते हैं तो भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं अब बैठना है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा झंझनाहट सा हो रहा है घुटने में। अब इसका पता कैसे करते हैं एमसीएल टियर का? फिजिकल एग्जामिनेशन से इसका पता कर सकते हैं, आपके डॉक्टर आपका पेन कहाँ है वो पूछते हैं कि अंदर के हिस्से में, बाहर के हिस्से में, आगे के हिस्से में दर्द, सूजन कहाँ है वो सब चेक करते हैं, आपका मूवमेंट चेक करते हैं, रेंज ऑफ मोशन, और फिर पता करते हैं कि कहीं एमसीएल के साथ साथ एसीएल का टियर या मेनिस्कस का टियर तो नहीं हुआ है। फिर इसके लिए वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट होता है। ये वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट एमसीएल टियर के लिए करते हैं। डॉक्टर आपका जो घुटने का है, घुटने का जो घुटना इंजर्ड हो गया है उसमें बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। पहले आप 15 डिग्री पे पैर रख के प्रेशर लगा के देखते हैं, अगर आपको दर्द होता है तो मतलब दिक्कत है। फिर 90 डिग्री पे रख के प्रेशर लगाते बाहर की तरफ, फोर्स लगाते बाहर की तरफ घुटने से, तो अगर दिक्कत है तो मतलब आपको एमसीएल इंजरी हो रखी है, एमसीएल टियर हो रखा है। अब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन से भी पता कर सकते हैं, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, इनसे भी पता कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो जब आपको एमसीएल टियर एकदम डायरेक्ट ब्लो हो गया है, कुछ डायरेक्ट हिट कर दिया आपके अंदर की तरफ घुटने में या कुछ भी एकदम ट्विस्ट हो गया आपके, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है कि आप प्राइस फॉलो करें। प्राइस यानी पी प्रोटेक्ट, आपके जो दिक्कत हुई है घुटने पे उसको आप रेस्ट पे रखो, यानी मतलब आप वापस, आपको बार बार इंजरी नहीं हो तो उसको घुटने को आप अपना प्रोटेक्शन रख के चलो। उसके साथ आपको रेस्ट रखना है, कुछ भी ऐसा मूवमेंट नहीं करना है, चलना फिरना इतना नहीं करना है, थोड़ा बहुत रेस्ट रखना है अपने पैरों को। उसके साथ साथ आपको आइसिंग करनी है दिन भर में, हर 2-3 घंटे के बाद आपको आइसिंग करनी 15 से 20 मिनट तक। फिर आपको कंप्रेशन बैंडेज या कंप्रेशन कुछ बांध लेना अपने घुटने पे ताकि स्वेलिंग ना आए, आपको सपोर्ट रहे आपके घुटने में। उसके साथ साथ आपको अपने 1-2 पिलो रख के उस पर पाँव रखना है, मतलब अपने घुटने को सीधा ऊंचा रखना है, और दर्द की दवाई लेनी यानी पैरासीटामोल,
आइबुप्रोफेन ताकि दर्द सूजन वो कम हो। फिर जैसे जैसे आपका जो दिक्कत है वो ठीक हो रही है उसके बाद आपका आगे का ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर ग्रेड 3 इंजरी हुई यानी ग्रेड 3 एमसीएल स्प्रेन हुआ है तो उसमें सर्जरी होती है और उसके लिए मीडियल कोलेटरल लिगामेंट सर्जरी होती है। जो एमसीएल लिगामेंट इंजर्ड हो गया, टॉर्न हो गया, उसको रिपेयर करते हैं। फिर उसके साथ साथ आपको घुटने के ब्रेसेस या स्प्लिंट्स है वो पहनने ताकि आपको वापस बार बार इंजरी ना हो और आपका घुटना बचा रहे। एक सपोर्ट के लिए, एक स्टेबिलिटी रहे आपके घुटने की, उसके लिए आपको ब्रेसेस पहनने, स्प्लिंट्स पहनने। फिर जैसे जैसे आपका दर्द सूजन टाइटनेस कम हो रही है उसके बाद आपको अपने रेंज ऑफ मोशन को और पेन को मतलब कंट्रोल में रख के आपको मूवमेंट स्टार्ट करना है, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करना है। तो आपको स्टार्ट करनी है फिजियोथेरेपी, उसके लिए एक्सरसाइजेस हैं। पहली है सीटेड हील स्लाइड्स, मतलब आपको ऐसे बैठ जाना है, फिर अपना टॉवल रख लेना है हील के वहाँ, फिर आपको अपने हील को अंदर की तरफ लेके आना है, जहाँ तक कंफर्टेबल आ रहा है वहां तक होल्ड करना है आपको 5 से 10 सेकंड तक, फिर वापस रिलैक्स 10 बार करना है दिन में 2-3 बार। फिर है स्टैटिक क्वाड्रिसेप, इसमें एक घुटना मुड़ा रहेगा और जिस घुटने में दिक्कत है वो घुटना सीधा रहेगा, वो पैर सीधा रहेगा, उसके घुटने के नीचे आप टॉवल को रोल रख के रख देंगे। फिर उसके बाद घुटने को टॉवल की तरफ दबाना है, घुटने को टाइट करना है, 5 से 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, फिर रिलैक्स ऐसे 10-15 बार करना है दिन में 2-3 बार। फिर है स्ट्रेट लेग रेज, इसमें आपको जो आपका सही है पैर वो घुटना मोड़ लेना है और जो पैर में दिक्कत है, अगर राइट में दिक्कत है तो राइट पैर को आपको सीधा रखना है, वैसे ही घुटना दबाना है और पैर को इतना उठाना है, थोड़ा बहुत 6 से 8 इंच फ्लोर से उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है पैरों को, यहाँ तक रोकना है 10 सेकंड तक, फिर धीरे से नीचे लाना है, घुटना ढीला छोड़ना है। याद रखना है हर प्रोसीजर में घुटना टाइट रहेगा, ऊपर आएगा, नीचे लाके फिर उसके बाद रिलैक्स रखना है, हर बारी में आपको घुटने को टाइट करना है। फिर स्ट्रेट लेग हिप एक्सटेंशन, आप पेट के बल लेट जाएंगे, फिर आपको अपने पैरों को सीधा उठाना है, जहाँ तक कंफर्टेबल उठा सकते हैं वहाँ रोकना है 5 से 10 सेकंड तक, फिर नीचे लाना, रिलैक्स 10 बार करना है। फिर आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करनी है, ऐसे आप जिस पैर की दिक्कत नहीं उस पैर को एकदम सीधा रख देंगे और फिर आप अपने पंजों पे दुपट्टा या बैंड या कुछ भी लगा देंगे, फिर दोनों एंड को पकड़ लेंगे टॉवल के या दुपट्टे के एंड को, फिर आपको घुटने को एकदम सीधा लेके आना, अपने पैर को सीधा रखना है, बिल्कुल आपका पैर स्ट्रेट रहेगा तो आपको पीछे बैक में टांगों के थाइस के पीछे वाले हिस्से में बैक में आपको स्ट्रेच नजर आएगा, वहां जहां तक कंफर्टेबल स्ट्रेच आपको लगता है वहां तक आप होल्ड करेंगे, फिर वापस रिलैक्स ऐसे 10 बार करना है। फिर आपको ऐसे दोनों घुटने मोड़ लेना है और दोनों घुटने के बीच में टॉवल या पिलो कुछ भी रख लेना, सॉफ्ट चीज, दोनों घुटने से टॉवल को या पिलो को दबाना है, होल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर रिलैक्स ऐसे 10 बार ही करना है। क्लैम्पशेल एक्सरसाइज, इसमें आप एक करवट लेके लेट जाएंगे, फिर दोनों घुटने अच्छे से मोड़ लेना है, पैरों को चिपका के रखना है, फिर घुटनों को दोनों घुटने को खोलना है। ये ध्यान रखना है कि आपका जो हिप है, आपका पेल्विस जो है वो रोटेट नहीं हो, पेल्विस स्टेबल रहे, बस आपका घुटना ऊपर नीचे होगा, होल्ड करना है फिर रिलैक्स। फिर धीरे धीरे आपको जैसे दर्द और स्ट्रेंथनिंग आ रही है तो आपको स्क्वाटिंग करनी है, शुरुआत में आपको मिनी स्क्वाट्स करना है, मतलब ज़्यादा नहीं स्क्वाट करनी है, थोड़ा बहुत करना है, तो आप पहले चेयर का, टेबल का, किसी का आगे सपोर्ट ले लेंगे, फिर आप धीरे से बैठेंगे, थोड़ा ही बैठना है आपको, यहाँ तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स ऐसे 10-15 बार करना है। फिर आपको जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है तो आपको एक पैर पर खड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, ऐसे दोनों पैरों पर बैलेंस बनाने की आपको कोशिश करनी है। अब होम केयर की, लाइफस्टाइल की हम चेंजेस की बात करते हैं तो आपको एक तो गर्म का या बर्फ का, वैसे तो बर्फ का सेक करते हैं वो आपको करना है दिन में हर 2 घंटे बाद आपको करना है, 15 से 20 मिनट तक आइसिंग करनी है। उसके बाद आपको पिलो पाँव पे नीचे रख के घुटने को सीधा रखना है, अपने पैरों को ऊपर रखना थोड़ा। आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है कि आपका दर्द बढ़ रहा है, इतना करना है कि आपको कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, और पहले दर्द है सूजन है तो पहले उसको कम करना है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। भारी सामान बिल्कुल नहीं उठाना है, ना ज़्यादा देर तक खड़ा रहना है, ना ज़्यादा देर तक बैठना है, हर 10-15 मिनट बाद आपको अपना पोजिशन चेंज करना है। फिर आपको दवाई लेनी है अगर दर्द और सूजन है तो,
आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन, और हमेशा जब भी आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, तो आपको घुटने का ब्रेस होता है, घुटने का सपोर्टिव होता है, वो आपको पहनना है। जब आप सो रहे हो तब उतार देना है, पर आप जब चल रहे हो, बैठ रहे हो, तो आपको पहनना ज़रूरी है ताकि आपके घुटने सपोर्ट में रहे। उसके साथ आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रह लेना है, आपको मेडिटेशन करना है, स्लीप अच्छी लेनी है, हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है, अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और अपना ध्यान रखना है। थैंक यू।